आज देखिए, बिहार के अररिया फॉरबिसगंज अनुमंडल अस्पताल कर्मी की लापरवाही से गया अनुमंडल अस्पताल में कार्यरत आशा कर्मी तनुजा सिंह पति जयप्रकाश सिंह की जान आशा वार्ड नंबर 9 खैरखा पंचायत की रहने वाली है। बता दें तो आशा तनुजा सिंह के पति दिल्ली से अपने घर फॉरबिसगंज प्रखंड के खैरखा पंचायत पहुंचा, जिसे फॉरबिसगंज प्रखंड के हरिपुर पंचायत अंतर्गत क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, जहाँ से उसे फॉरबिसगंज के हरिजन स्कूल क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, जहां उसकी पति की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। आशा द्वारा अस्पताल प्रबंधक को फ़ोन किया गया, जिसके बाद उन्हें फॉरबिसगंज का अनुमंडल अस्पताल लाया गया। तबीयत बिगड़ते देखकर फॉरबिसगंज के डॉक्टर के द्वारा रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में उसे भर्ती नहीं किया गया। आशा तनुजा से अपने पति को लेकर फॉरबिसगंज अनुमंडल अस्पताल 2 बजे रात को पहुंची। 2 बजे रात से ही सुबह के 11 बजे तक कोई डॉक्टर देखने तक नहीं पहुंचा। जब इंडिया न्यूज़ लाइव की टीम वहां पहुंची तो आशा कर्मी तनुजा सिंह से बात की। उन्होंने बताया, हमारे पति को 3 घंटे से स्ट्रेचर पे ही रखा गया, कोई डॉक्टर इसे छूने वाला नहीं है, हम करें तो क्या करें। वहीं अस्पताल उपाधीक्षक रेशमा राज ने बताया, अस्पताल में व्यवस्था ठीक करने में समय लगा। आइए सुनते हैं क्या है खास रिपोर्ट आपदा प्रबंधन आपदा पदाधिकारी। आठ बजे 9 बजे उतरे थे इनको, यहाँ ना पते मैसेज उठा के ले गया प्रखंड में ब्लॉक में चेक करके वहाँ से यहाँ लाया गया। यहाँ चेकअप करके ले गया इसको हरिजन स्कूल, रामपुर हरिजन स्कूल। रामपुर हरिजन स्कूल में 4 दिन हुआ, तभी हमको फोन किया से हम ना बहुत तबियत खराब, लड़की को पहले फोन किया देखने मम्मी जी ने बोलवाए कहाँ कौन स्कूल गया, हरिजन स्कूल रामपुर। क्योंकि हमारा तो लागे से जब हम नहीं बचबे तो हमारे बेटी जो लड़की जी थी हमको फोन की कि पप्पा हालत बहुत खराब है, फीवर है, तो हम यहाँ से कुछ दवाई लेके गए। दवाई हम दिए तो सुधार नहीं हुआ, हम तुरंत मास्टर को बोले कि सर देखिए ऐसे ऐसे बताए, इनको चेकअप कराइए, बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है, इनका लक्षण लग रहा है। तो हॉस्पिटल फ़ोन किया, प्रभारी सर को, बी डी ओ सर को, यहाँ से गाड़ी लिया, गाड़ी गया तो यहाँ लाया गया चेकअप शाम में, इनका अथी लेके तब इनको यहाँ दिल्ली अथी में ITI कॉलेज में। यहाँ जो 3 दिन रहा कि पूरा सबसे कोई देख रेख नहीं, कि खेबे नहीं करते हैं, न खाते हैं, न उठते हैं, न बैठते हैं, न बोलते हैं। तो तब कल जब हम आए 4 बजे मिलने न, तब हम देखे जिनका हालत खराब था, तो हम तो प्रभारी सर को फोन किए, प्रभारी सर तुरंत गाड़ी एम्बुलेंस भेजे, MECM सर भी गए, तो वहाँ से यहाँ ला रहे थे, जो सुई देना था दिए, तब रात में इनको वहाँ ठीक किया, रेफर किया पर जिला, वहाँ जैसे अररिया गए 2 बजे रात में, 12:30 में रात में गए, हम बोले कि हम रात में नहीं जाएंगे। तो ये थे ये बोले हमको कि देखिए आप जाइए, हम भी वहाँ आएंगे। हम बोले कि कोई मेरे साथ में गार्जियन है नहीं, हम अकेले हैं, बच्चा मेरा लड़का छोटे छोटे है। हम बोले हम अगर छुएंगे इनको सब कुछ करेंगे तो इन्होंने बच्चा को कौन देखे। क्या नाम हो गया आपका? तनुजा सिंह, आशा तनुजा सिंह। घर कहाँ हुआ? खैरखा वार्ड नंबर 9। आशा हुए यहाँ जी, पंचायत के, पंचायत का आशा हुआ। ये मेरे बॉस। मैडम, जो आशा पति है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो आज डेट कर गया कि इसमें अस्पताल में लापरवाही बरता गया है? नहीं, लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती गई है। यहाँ जितनी क्षमता थी उस अनुसार काम किया गया, डॉक्टर बसाक साहब की बात हुई, उसको किस तरह से भेजा गया, आया गया, फिर यहाँ पे जब अब सस्पेक्टेड हो गया तो अब तो हमको कोरोना सोच के उसका काम कराना था, उस प्रोसेस में तो थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर भी उसको हमारे सिस्टर्स ने PPE किट पहन के जाके इंजेक्शन दिया, ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन उठाकर फेंक दिया, उसने मास्क तक नहीं लगाना, मतलब उसको बेचैनी थी, किसी दिक्कत में था, मास्क भी उठा के फेंक देता था। तो सोच लीजिए अगर वो पॉजिटिव होता है बिना मास्क के, अगर उसके सामने आप जाते हैं तो आप कितने ज़्यादा एक्सपोजर में है। तो उस स्थिति में भी सर ने उसको सारी सेवाएं दी, दूध भी दिया पीने को, दूध पिया पेशेंट। अस्पताल में ऐसी क्या व्यवस्था था कि उसके 11 बजे तक अंदर नहीं, आइसोलेशन वार्ड में नहीं रखा गया? 11 बजे के बाद तो रख ही दिया गया, एक आइसोलेशन का ही व्यवस्था ही में टाइम लगा कि पहले आप
सबको तो लाइन अप कीजिएगा ना, ये तो पहले से प्लान नहीं, यहाँ से व्यवस्था नहीं है क्या? यहाँ पे आइसोलेशन नहीं चल रहा है ना। आइसोलेशन वहाँ था तो फिर उस वहाँ, लेकिन आइसोलेशन में पॉजिटिव पेशेंट रखना, ये अभी तक पॉजिटिव नहीं था, तो रिपोर्ट आने का हम लोग इनको इंतजार का आदेश मिला कि जब तक रिपोर्ट नहीं आता आप यहाँ एक अलग व्यवस्था करके रखिए। तो अलग नया व्यवस्था बनाने में थोड़ा समय लगता है, व्यवस्थित ऑलरेडी है आइसोलेशन जहाँ चल रहा है वहाँ रोज आ रहा है पेशेंट, एडमिट हो रहा है, काम हो रहा है। तो यहाँ से मरीज को तो रेफर कर दिया गया था, तो फिर यहाँ पे आने का, अब वो तो जहाँ रेफर गया उन्होंने फिर दोबारा यहाँ भेजा, तो अब तो वो उसका जवाब उनके पास मिलेगा क्यों भेजा उन्होंने। यहाँ पे जो है पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया गया था? यहाँ एंटीबायोटिक चला, ऑक्सीजन भी चला, जो मैनेजमेंट होता प्रोटोकॉल है वो किया गया, जो उसका साइन एंड सिम्टम्स था सिम्टोमेटिक इलाज हुआ। तो सर उसका मतलब यहाँ जो आशा कार्यरत है उसका कहना है कि हमारे पति को जो है कोई मतलब देखा नहीं, इस तरह का उसका शिकायत है, क्या कहना चाहते हैं? गलत बात है, हम खुद यहाँ पर मौजूद थे, हम खुद इलाज करवाए हैं उसका, दो दो डॉक्टर मिलकर हम लोग इलाज करके किए हम लोग। तो सर यहाँ की क्या व्यवस्था है, एक सुबह जो रात 2 बजे मरीज इस अस्पताल में आया, उसके बाद जो है एक सुबह 6 बजे से मतलब वह नीचे रह के उसको 11 बजे दिन तक अंदर नहीं किया गया, क्या कहना चाहते हैं? 11 बजे तक उसको आइसोलेशन वार्ड में नहीं डाला गया। हम सवेरे आए यहाँ पर, आपके पति से भी मिले और आशा से भी मिले, दोनों से मिले और उसको हम डीएस से बात करके आइसोलेशन में एडमिट करवाए, उसके बाद हम फिर मीटिंग में चले गए। उसको मतलब सुई दवाई नहीं चलाया गया क्या? हाँ चलाया गया था, ऑक्सीजन लगा, उसके बाद इंजेक्शन लगा। इसमें सर अस्पताल की लापरवाही नहीं कहा जाएगा क्या, एक सुबह से जो मतलब रात से है? डॉक्टर तो मेहनत किया है यहाँ पर, सबको पेशेंट के साथ तो मेहनत किया है, तो मतलब आशा जो इल्जाम लगा रही है वह गलत है। अररिया के सबसे लोकप्रिय रेडियो चैनल NS रेडियो की ओर से मैं आपका दोस्त RJ धीरज आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रसारण का आनंद ऑनलाइन के माध्यम से प्ले स्टोर द्वारा ऐप को डाउनलोड करके लगातार दिन रात ले सकते हैं, साथ ही साथ अपने यारों दोस्तों को भी कह सकते हैं और सुन सकते हैं गाने वो भी आपकी पसंद के, ओनली ऑन NS रेडियो।